ये मुझे और काम करने की प्रेरणा देती है। आज दिया हुआ एक फूल जो मेरे ऊपर टुका फूलों की पंखुड़ियां, प्यार का आशीर्वाद, और ये रिश्ता है कि मेरी बहनें आती है और मेरे गले लग जाती है, मेरा माथा चूम लेती है, मेरे सिर पे हाथ देती है, हमारा भाई हमारा भाई हमारा भाई हमारा भाई। कौन को सौभाग्य मिलता है? मेरा तो जन्म सार्थक हो गया, जन्म सार्थक हो गया। काहे के लिए मैं धरती पर आया हूं? इसलिए कि आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए काम कर। और मैं फिर कह रहा हूं, इसी धरती से मैं आगे बढ़ा, इसी घरुणा की धरती पर कई आंदोलन, कई प्रदर्शन, हमने पांच पांच लोगों ने प्रदर्शन किए। एकदम यही निकल जाते थे हाथ खेला मम्मा एक रख के, और यही आपने आशीर्वाद देना शुरू किया। और आपने आशीर्वाद दिया, मुझे विधायक बनाया, सांसद बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। और आपने मुख्यमंत्री बनाया तो मैंने आपका मान सम्मान और शान पूरे हिंदुस्तान में ऊंचा ऊंचा करने का। कोई काम मुझसे ऐसा नहीं हुआ कि जिससे आपको आंख नीची करनी पड़ी। और अपने परिवार के साथ, अपने बड़े परिवार की मैं जिंदगी भर सेवा करूंगा। सेवा के संकल्प को कोई मुझसे जुदा नहीं कर सकता। मेरे बहन और भाइयों, में कोई यार उपलब्धि उपलब्धि नहीं बताऊंगा, शायद उपलब्धि परिवार में कोई कहूंगे ये सड़क बना दी, ये बिजली ला दी, ये पीने का पानी ला दिया, मैं यार आज कुछ नहीं, आज कुछ नहीं। आज इतने ही मेरी लाडली बहना, तुम्हारे भाई का संकल्प है, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिया, तुम्हारे सारे दुख पी जाऊंगा। संकल्प तो यही है मेरे भांजे भांजी छोटे छोटे बेटे बेटी गुल्लक ले लेके चले आ रहे, माँ की गोद में से चला रहे, मामा मामा मामा। कहीं किसी नेता के कार्यक्रम में बच्चे आते हैं क्या कहते, लेकिन माँ की गोद में बच्चे कूद रहे हैं, मामा मामा। वो मेरी बेटी कह रही मामा। ये छोटे छोटे बच्चे ये तो जानते हैं, लेकिन मेरा संकल्प है तो ये है कि इन बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने का अपना सब कुछ छोड़ दूंगा, इनकी जिंदगी कैसे आसान बने इसके लिए काम करूंगा, इनकी पढ़ाई, इनकी लिखाई। आज स्कूटी लेके बैठी आ गई मामा, बेटा बेटी स्कूटी, कोई लैपटॉप लेके आ गए, खिलाड़ी आ गए बैट लेके। ये कैसे अद्भुत कार्यक्रम है, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये दिलों का प्यार बरसाने वाला कार्यक्रम था, ये याद था प्यार बरसाने वाली। वंदित, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे मेरी बेटियां हो, चाहे मेरे भांजे भांजियां हो, चाहे मेरे किसान भाई हो, सूखी खेती करते थे, एक एक खेत में पानी ला रहे हैं और लाएंगे, चिंता मत कर। कैसे बेहतर हो किसान की जिंदगी, व्यापार और निवेश कैसे बढ़े, इसके प्रयास करेंगे। कोई आज काम नहीं गिनाऊंगा, आज तो इस आशीर्वाद से नई ऊर्जा नई ताकत लेके जा रहा हूं, नए संकल्पों के साथ जा रहा हूं, नए संकल्पों के साथ। मेरी बेटियां देवियां बनी, अभी मेरी बेटियां बैठी उनको प्रणाम करके जाऊं, मैंने उनके चरण धोए, मेरे लिए हर स्त्री देवी की मूर्तियां हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में यही था कोकिला जी, दुर्गा सप्तशती में यही कहा है, देवताओं ने देवी की वंदना करते हुए कि हर स्त्री मेरी ही मूर्ति है, मैं तो वही मान करता हूं। इस पवित्र भाव से प्रणाम, और ये पवित्रता के साथ जिंदगी बेहतर बनने का मेरा अभियान चलेगा। भैरुंडा की भी, तहसील की भी, रहटी की, बोधनी की,
गोपालपुर से चाहे गली पत्थर कोई भी हो, मैं तुम्हारे लिए समर्थ रहूंगा जब तक जीवदा करना। और आज फिर एक वचन देता हूं कि आगे भी ऐसा काम करूंगा जो शान से इस माटी में पैदा हुए लोगों का सिर ऊंचा हो कि ये हमारा भैया सिद्धार्थ जी, हमारा भैया सिद्धार्थ मिलकर काम करेंगे। बस एक प्रार्थना मैं करता हूं कि अब मैं चुनाव में यहां नहीं आऊंगा, मेरे आने की जरूरत है क्या? सब जोर से बहना हो तुम भी बताओ, आने की जरूरत है क्या? भाइयों बताओ, आने की जरूरत है क्या? क्योंकि मुझे इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है, उसके लिए मध्य प्रदेश की 229 विधानसभाओं में जाना है। बोलो मैं जाऊं? चुनाव कौन लड़ेगा? अरे जोर से बताओ, चुनाव कौन लड़ेगा? आज से आप शिवराज, मेरे भाई भी शिवराज, मेरे भांजे भी शिवराज है, मेरी बहनें भी शिवराज है, मेरी भांजियां भी शिवराज है, आप सब शिवराज है। हाँ साधना को यही छोड़ जाऊ, कार्तिक भी रहेगी तुम्हारी, लेकिन मैं आपको आज वचन देके जा रहा हूं कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आऊंगा। और यहां आप अब दुनिया में कमल खिलाओगे और खिलाना ऐसे कि दुनिया कहे ये शिवराज का परिवार है। अपना प्यार इस चुनाव के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रकट हो जाना चाहिए। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, हम मिलकर एक एक है, दो है ही नहीं, दो है ही नहीं, आप और मैं एक मिलकर आप दीप का यहां रिकॉर्ड बनाइए। और मेरी बहनों, ये एक एक पैसा आप दिला देगी यहीं देके जा रहा हूं, चुनाव में लगेगा और ये खरा खून पसीने का पैसा है, ये लाखों लाख की बराबरी बनेगा। ये यहां भेंट करके जाऊंगा। एक बार फिर मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मैंने सरकार बनाने का संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी की, आप यहां रिकॉर्ड बनाने का संकल्प करें, जीत का रिकॉर्ड महाविजय है। और एक बार छोटे मोटे झगड़ों को हावी मत होने देना, नहीं तो गांव में कई बार ये ज्यादा चलता है, रामलाल उधर जा रहे हैं तो श्याम लाल इधर चल दिए, गांव की लड़ाई भी हो जाता है, तू उधर तो मैं इधर। इस चुनाव में ऐसा मत करना, क्योंकि अपने गर्व और गौरव का चुनाव है, ये अपनी पहचान का चुनाव है, ये अपने सम्मान का चुनाव है, ये अपने स्वाभिमान का चुनाव है और ये अपने अभिमान का चुनाव है कि हमारा शिवराज मेरे लिए, मेरी जनता मेरा परिवार। आइए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की नर्मदा मैया की जय बोलते हुए हम संकल्प लेंगे कि भैया तुम जाओ, हम शिवराज बन के चुनाव लड़ेंगे और रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, विंध्याचल मैया की, सभी बहनों भाइयों की, भांजे और भांजियों की, हर हर नर